हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 21 और 22 चैप्टर मज़ा आया होगा। सो चलिए 23 और 24 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने देखा था डॉक्टर आइवन लुइस को अपने घर छोड़ने जा रहे होते। पिछली रात लुइस ने जो भी कुछ नींद पे कहा था उस वजह से डॉक्टर आइवन सो नहीं पाते, और डॉक्टर आइवन को ऐसे देख कर लुइस कहता है, डॉक्टर आइवन आप क्या रात में ठीक से नहीं सोए? क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर लुइस कहता है, डॉक्टर आइवन कैसा होगा कि मैं आपको आज लंच के लिए ट्रीट करूं? ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, नहीं आज मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ पेशेंट्स को देखना है, तुम घर जाओ रेस्ट करो। ये सुन के लुइस कहता है, अच्छा ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 23 और 24 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में लुइस डॉक्टर आइवन को फ़ोन लगा रहा होता है, पर उनका फ़ोन बिजी आता है। ये देख के लुइस सोचता है, पता नहीं क्यों आजकल डॉक्टर आइवन का फ़ोन बिजी आ रहा है, या फिर वो फ़ोन नहीं उठाते, मुझे उन्हें ट्रीट देना है। फिर नेक्स्ट सीन में अब हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर आइवन अपने ब्रदर को फ़ोन लगाते और कहते हैं, ब्रदर मुझे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुन के डॉक्टर आइवन के ब्रदर कहते हैं, अच्छा इतने टाइम के बाद तुम मेरी हेल्प मांग रहे हो, ऐसी क्या मदद चाहिए मुझसे? डॉक्टर आइवन कहते हैं, मुझे एक पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर आइवन के ब्रदर कहते हैं, अच्छा ठीक है बताओ कौन है वो पर्सन? डॉक्टर आइवन कहते हैं, एल्डोफ जियांग। ये सुन के डॉक्टर आइवन के ब्रदर कहते हैं, एल्डोफ जियांग तुम हमारी नेबरिंग कंपनी के CEO की बात तो नहीं कर रहे? वो तो कितने हैंडसम और प्रिटी लुकिंग है, तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहते हो? डॉक्टर आइवन कहते हैं, वो एक CEO है, उसका बॉयफ्रेंड मेरे हॉस्पिटल में आया था फिजिकल चेकअप करने के लिए। ये सुन के डॉक्टर आइवन के ब्रदर कहते हैं, हाँ बॉयफ्रेंड, ऐसा और कौन है जो अभी भी ये जताता है कि वो एल्डोफ का बॉयफ्रेंड है? हाँ एक्चुअली मैं एल्डोफ का कोई भी रियल बॉयफ्रेंड नहीं है, उसे सिर्फ लोगों के साथ खेलना पसंद है। ये सब सुन के डॉक्टर आइवन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। और प्लस ये सुन के डॉक्टर आइवन को गुस्सा भी आता है और वो एक डस्टबिन को किक करते हुए कहते हैं, डैब यू बास्टर्ड। डॉक्टर आइवन का ऐसा बिहेवियर देख के वहाँ की दो सिस्टर आपस में कहते हैं, आज डॉक्टर आइवन को क्या हो गया है, वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। फिर रात हो जाती है, लुइस सो रहा होता है, तभी लुइस को दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुन के लुइस उठ जाता है। एल्डोफ घर आ गया होता है और लिविंग रूम पे काउच पे बैठ जाता है, तभी वह लुइस आता है और एल्डोफ से कहता है, तुम आ गए, मुझे क्यों नहीं बताया? लुइस को देख के एल्डोफ कहता है, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? लुइस कहता है, मैं अभी अभी उठा हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ? एल्डोफ कहता है, फ्लाइट बहुत लेट थी और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँ, और प्लस आज का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सुन के लुइस कहता है, अच्छा ठीक है, किचन में तुम्हारे लिए फिश सूप रखा है, मैं तुम्हारे लिए गर्म करके लाता हूँ। तभी सडनली एल्डोफ लुइस का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए कहता है, वो सब बाद में करूँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या तुमने मुझे मिस किया जब मैं तुम्हारे पास नहीं था? क्या तुम पूरे दिन किरण के साथ खेलते बैठे थे? ये सुनकर लुइस को उस रात की बातें याद आ जाती है जब एल्डोफ के पीछे से ट्रॉय ने कहा था, ब्रदर जियांग आप कब से बात कर रहे हैं, चलिए ना। ये याद करके लुइस को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है, नहीं मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। ये सुन के एल्डोफ कहता है, अच्छा तुमने नहीं किया, कोई बात नहीं, पर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और ये कहकर एल्डोफ लुइस को किस कर लेता है। फिर एल्डोफ लुइस को काउच पे लेटा देता है और उसके शर्ट पे हाथ डाल रहा होता है और धीरे धीरे लुइस के चिक पर किस कर रहा होता है। तभी लुइस अपने मम्मी सोचता है, नहीं उसे उसे सुई का बाग दिख जाएगा, फिर वो मुझसे क्वेश्चन करेगा। तभी लुइस कहता है, एल्डोफ लाइट्स बंद कर दो। ये सुन के एल्डोफ कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी तरफ ठीक से देखना है, और वैसे भी
अभी शादी करवाए कितने टाइम हो चुके हैं, इस पे एम्बेरस होने की क्या ज़रूरत है। लुइस तभी ब्लश करते हुए कहता है, नहीं लाइट्स ऑफ करो प्लीज। ये सुन के अल्टॉफ कहता है, अच्छा ठीक है करता हूँ। फिर लुइस कुछ पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ अल्टॉफ कहता है, ठीक है मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा ठीक है, अभी नाराज मत हो, पहले कुछ पोरच खा लो उसके बाद सो जा रहा। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ अल्टॉफ कहता है, लुइस क्या तुम्हें पता है किसी को प्यार करने का क्या मतलब होता है, किसी के बारे में केयर करने का क्या मतलब होता है, किसी को अपनी फीलिंग्स दिखाने का क्या मतलब होता है। ये सब सुनने के बाद लुइस कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे ये सब पता है। तभी लुइस के पीछे एक लेडी खड़ी होती है और लुइस को पुकारते हुए कहती है, लुइस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, ये रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। फिर प्रेजेंट में अल्टॉफ लुइस को उठाते हुए कहता है, लुइस लुइस उठो, उठ जाओ पहले कुछ खा लो, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, पहले मेडिसिन खा लो उसके बाद फिर से सो जाना। ये सुन के लुइस धीरे से उठता है और बुखार की दवाई खा रहा होता है। तभी अल्टॉफ कहता है, अचानक से तुम्हें इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया, क्या मैंने पिछली रात कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। लुइस पानी का ग्लास अल्टॉफ को दे देता है और चुपचाप ब्लैंकेट उड़कर फिर से सो जाता है। तभी अल्टॉफ कहता है, मैं आज दोपहर लंच के बाद फ्री हूँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लुइस कहता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुन के अल्टॉफ लुइस के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, लुइस मेरी बात सुनो, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तभी अचानक से लुइस रोने लगता है और कहता है, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। लुइस को रोता देख अल्टॉफ पैनिक हो जाता है और वो कहता है, कहाँ जल्दी बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, लुइस मुझे डराओ मत। लुइस कहता है, मेरी बॉडी पूरी वीक हो चुकी है, मेरे पैर, मैं चल भी नहीं पाऊँगा। ये सुन के अल्टॉफ कहता है, अच्छा ठीक है तुम पहले पॉरेज खा लो और फिर सो जाना, हम लोग बाद में कभी डॉक्टर के पास जाएंगे। ये कह के अल्टॉफ लुइस को हग कर देता है और लुइस अपने मन में सोचता है, थैंक गॉड मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ, वो भी अल्टॉफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अल्टॉफ लुइस को पॉरेज खिला रहा होता है, तभी अल्टॉफ का फ़ोन वाइब्रेट होता है। अल्टॉफ फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो साइमन, अच्छा ठीक है तुम मुझसे ईमेल भेज दो, हो गया ठीक है अभी वापस फ़ोन मत करना। ये कह के अल्टॉफ फ़ोन रख देता है। तभी लुइस कहता है, तुम्हें कितने सारे फ़ोन आ रहे हैं, शायद तुम्हें ऑफिस में बहुत सारा काम होगा, तुम्हें जाना चाहिए। ये सुन के अल्टॉफ कहता है, नहीं मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तभी अल्टॉफ का फिर से फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है और इस बार वो कॉल ट्रॉय शेन का होता है। अल्टॉफ फ़ोन की तरफ देखते हुए अपनी मम्मी सोचता है, शिट ये फिर से फ़ोन कर रहा है। अल्टॉफ ट्रॉय का फ़ोन नहीं उठाता और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।